सो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं कैमरा उठा रही हूँ। मुझे छुट्टी मिल गई है, बट बोला गया है कम्प्लीटली रेस्ट करना है। सिर्फ रेस्ट, सोना 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 सोना, बस सोना। हाँ, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, खाना तक, कुछ खाना तक नहीं। नहीं, एक्चुअली हीमोग्लोबिन मेरा बहुत ज़्यादा कम है, बोल रही हैं 91 है। नहीं, पता नहीं कितना है, 91 बताइए। 9.1 कह रही है। अगर अभी इतनी दिक्कत है तो बाद में सिजेरियन के टाइम हो सकता है कि ब्लड चढ़ाना पड़ जाए, तो इसलिए ख्याल रखना। और जैसा कि मैंने बताया, प्री मेच्योर लेबर पेन था बोल रही थी मैम, तो इस पे मुझे वर्क करना है। मतलब कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बेड रेस्ट कम्प्लीटली, जब तक मेरी डिलीवरी की डेट नहीं आ जाती तब तक मुझे करना है। कौन सी डिलीवरी? हाँ, तो चलो बेबी, छोटू सा भाई आएगा मेरा। भाई आएगा कि बहन आएगी? दोनों आएगा, देखना। कैसे जाम्बी है, मैं पहले जाम्बी, उसके अभय आया। जाम्बी शायद शायद अब आएगी। अब कौन आएगी? पीकू आएगी। चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों से देखो, पहले मामी के बच्चे थे जाम्बी, अब है, अब मैं दो हो जाएंगे तो उन दोनों को चढ़ाऊंगा। जाम्बी चाहती थी छोटे भाई को, उसको छोटा भाई मिल गया, मैं चाहता हूँ बहन, तो मेरे को बहन मिल गई, सिर्फ मैं और चाचू सो रहे थे बस। इस हॉस्पिटलों में भरपूर नींद ली, मैं घर आऊं, क्यों ना सो और हम नींद ना ही आ रहा। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा चाय पी के 8 बजने वाले हैं, चलेंगे मतलब फ्रूट्स वगैरह लेना है, फ्रूट्स और सब्जी भी नहीं है कुछ। हम लोग घर जाने वाले थे, पैकिंग हो गई थी, लेकिन अब कहीं नहीं जा सकते, अब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाभी केक बना रही हैं बिस्किट के लिए, आप देख सकते हो ओरियो का चोको क्रीम बिस्किट ली हैं एंड पार्ले जी बिस्किट ली हैं। नंदन हेल्प कर रहे हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भाभी मोबाइल में देख देख के बना रही हैं, तो इसको दोनों बिस्किट को तोड़ लेना। आप चाहें तो सिर्फ ओरियो की ही बिस्किट ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, मतलब भाभी ने पार्ले बिस्किट मिला दिया, इसके बाद इसको पीस लिया मिक्सर में। अब इसमें ऐड करना है आपको फुल क्रीम मिल्क, और अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स 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 मिक्स। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी आज कई दिन हो गया था वीडियो नहीं गया था, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बटर या घी आप मिक्स कर लें। अब लेना है जिसमें आपको बेक करना है केक, उसको अच्छे से बटर लगा लें, इसके बाद बटर पेपर रख के ये जो आपने मिक्सर लिया हुआ है इसको इसमें डाल दें, केक मिक्स जो है, और थोड़ा सा लास्ट में इनो पाउडर डाल देना है। अब बस इसको आपको इसमें गिरा देना है बेकिंग ट्रे में, फिर बेक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर बेकिंग हो रही है, तो टाइमर वगैरह आप देख सकते हो कितने मिनट के लिए, कितने सेकंड्स के लिए टाइमर लगाया जा रहा है माइक्रोवेव में, तो
तो बस थोड़े थोड़े टाइम में आपको चेक करते रहना है। एक टूथपिक की हेल्प से इसको निकाल के चेक कर लें। अगर आपकी टूथपिक क्लीन आए तो समझ लें आपका केक बेक हो गया है। तो ये रात में शायद 11:30 बजे बना था, मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी ना, मैं हॉस्पिटल से आ तो गई थी, लेकिन आपको पता ही है कि ग्लूकोज वगैरह चढ़ने के बाद क्या हालत होती है। तो बस केक बन के तैयार हो गया है। बर्थडे तुम्हारा है, तुम कट करो। जरा ये देखिए, ये देख अकेले अकेले सब खा लिए हैं। देखो कैमरा जो टूटे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। मुंबई है ना, कहाँ? हाँ बोल नहीं पा रहे बैठ के छील रहे हम। आज बहुत लेट उठे हैं, तो सोए भी तो लेट ही थे। तो रात भर सोए नहीं पाए, सुबह नींद आई। ब्लॉग काफी लंबा हो गया ना, कल से ही चलता आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज नेहा का बर्थडे है, मिस कर देना आप लोग। कमेंट में हैप्पी बर्थडे नेहा लिख देना। मैं तो अभी करूंगा, मैं आज से आपको बर्थडे। थैंक यू बच्चा। मैंने केक बनाया था, केक बना के रखा हुआ है। रात में बना था, आप उठे ही नहीं, उठाया तो गया। मैं उठाया, मैंने खुद ही उठाया था बाबू, जो आप उठे ही नहीं।